अगर खानदान वालों में उठते बैठते तो पता चलता कि रखरखाव जो है वो चमकती हुई कटलरी से साबित नहीं होता, एक दार को साथ लेकर चलना पड़ता है। कह रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाती। बस भाई साहब अब इजाजत दीजिए। आंटी आप लंच करके जाएं, हमारा कुक बहुत अच्छी रेसिपीज बनाता है, यू मस्ट ट्राई। बस बेटा तुमने कह दिया, समझो हमने खा लिया, अब चलते हैं। लेकिन आंटी आप इसे लेके क्यों जा रही हैं? देखिए मैं इतनी रस्मों वस्मों का कायल नहीं हूं, मैं तो कहता हूँ छोड़ जाए इसे। जैसे ये तुम्हारे घर की बहू बन गई है ना, अब तुम हमारे घर के दामाद हो, रस्मों की आदत डाल लो। चले खुदा हाफिज। शाम को मिलते हैं। तुम दोनों लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करना। वो तो ऐसे ना, और भाभी ना आते तो मैं लोगों को क्या जवाब देता कि शादी वाला घर और शादी वाले लोग कौन से। बाप ओवरडू करने, और वैसे भी हमारे भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, डोंट यू थिंक सो। अच्छा तो अब तुम मुझे लेक्चर दोगी कि लोग तुम्हारे शेड्यूल्स के हिसाब से चले। हाँ डैड प्लीज विल यू काम डाउन, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। एक नाश्ता ही तो है, कर लेंगे फिर कभी। एग्जैक्टली इतने नौकर हैं, खाना जाया नहीं होगा, और वैसे भी ये खाना खाना किसने है। अगर खानदान वालों में उठते बैठते तो पता चलता कि रखरखाव जो है वो चमकती हुई कटलरी से साबित नहीं होता, एक दार को साथ लेकर चलना पड़ता है। अब ये काम मेरी बहू करेगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बस। अब्बा प्लीज आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, संभालो इन्हें। प्यारे के साए में बीज थे बोए।